नमस्कार साथियों साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी काफी महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं, जो कि संविदा पर कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि को लेकर जारी किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान राज्य कार्यकारिणी की 44वीं बैठक दिनांक 26/8/2011 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संविदा अधिकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में प्रचलित महंगाई दर के अनुसार तथा कार्यालय मूल्यांकन के आधार पर संशोधित परिलिपियाँ दी जाना है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक नियम 4 दिनांक 13/2/23 से राज्य शासन के कर्मचारियों को छठवें वेतन में 212% महंगाई भत्ता दिनांक 1/1/23 से स्वीकृत किया गया है। अतः इस अनुरूप राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार दिनांक 1/4/23 से निम्नानुसार परिलिपियाँ निर्धारित की जाती हैं। अब यहाँ पर संबंधित संविदा अधिकारी कर्मचारियों के नाम दिए हुए हैं, वो वर्तमान में जो राशि उनको प्राप्त होती है उसका विवरण है और उसके आगे नवीन जो राशि प्राप्त होगी उसका विवरण दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, यदि वृत्त और चौकीदार की बात करें तो वर्तमान में 17,908 रुपये उन्हें मिलते हैं, अब 18,876 रुपये उन्हें प्राप्त होंगे। उसी तरीके से वाहन चालक का यदि हम देखें तो 22,437 अभी वर्तमान में उन्हें मिलता है और अब 23,650 रुपये उन्हें मिलेगा। लेखापाल डाटा एंट्री ऑपरेटर की यदि बात करें तो 29,126 रुपये इन्हें प्राप्त होते हैं और अब 30,701 रुपये इन्हें प्राप्त होंगे। ड्राफ्टमैन स्टेनोग्राफर 33,063 रुपये इन्हें वर्तमान में मिलते हैं और अब नवीन दर अनुसार 34,850 रुपये इन्हें प्राप्त होंगे। उपयंत्री को 37,000 की जगह अब 39,000 रुपये प्राप्त होंगे। उसी तरीके से विकासखंड स्रोत समन्वयक व्याख्याता जिला महिला समन्वयक विकासखंड अकादमिक समन्वयक 40,937 के स्थान पर अब 43,150 रुपये इन्हें प्राप्त होंगे। सहायक परियोजना समन्वयक वित्त प्रोग्रामक सहायक यंत्री को 48,218 की जगह 50,825 रुपये प्राप्त होंगे। उसी तरीके से जिला परियोजना समन्वयक को 62,160 की जगह 65,520 रुपये प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किया गया है और जो संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।